इस वीडियो के अंत तक वॉच करने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को फुली कन्वर्ट करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर। वेट, ये कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है कि तुम्हारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन को फुली जावा में कन्वर्ट करने वाला है। तो देखो यार, पिछली बार मैंने तुम्हें केवल एक मोड दिया था जिसके अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे ना भाई, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट भाई आज मैं तुम्हें ऐसे तीन या चार मोड देने वाला हूँ जिनको कि अगर भाई तुम अपनी गेम में लगा लेते हो ना, तो भाई वो तुम्हारी गेम को एकदम बदल के रख देंगे एंड फिर भाई तुम पॉकेट एंड जावा के बीच का डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे। तो देखो यार, मोड के भाई डाउनलोडिंग प्रोसेस को तो एंड में देखते हैं। एंड भाई देखो, उसमें से भाई देखो तुम्हें तीन मोड तो मिल जाएंगे इजिली डाउनलोड पर, बट यार जो एक मोड है भाई उसको तुम्हें डाउनलोड करने का भाई मैंने बताया हुआ है लास्ट में। एंड भाई सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि मोड के अंदर तुम्हें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो भाई तुम जैसे भाई मोड को एक्टिवेट करते हो, देन भाई तुम्हारे जो गेम का यूआई एंड भाई जो तुम्हारी गेम का मतलब मेन मेन्यू है भाई वो कुछ इस तरीके का हो जाने वाला एकदम जावा एडिशन वाला। एंड भाई देखो ऊपर की तरफ में लिखा भी आ रहा है जावा एडिशन। एंड भाई देखो यहाँ पे अपनी यूआई तो एकदम पूरी की पूरी भाई कन्वर्ट हो चुके जावा एडिशन के अंदर। तुम भाई जैसे यहाँ प्ले गेम पर करते हो क्लिक, तो भाई देखो यहाँ पे जो तुम्हारा वर्ल्ड वाला सेक्शन है भाई वो एकदम जावा एडिशन की तरह कन्वर्ट हो जाने वाला है। एंड भाई यहाँ पे तुम अपने मतलब वर्ल्ड को एडिट भी जावा एडिशन वाले तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट कर रहा हूँ, तो देखो भाई यहाँ पे एकदम मतलब भाई जावा एडिशन की तरह आ रहा है। एंड भाई देखो ध्यान रहे, अगर तुम इसको किसी भी वर्ल्ड के अंदर लगा रहे हो तो उस वर्ल्ड के एक्सपेरिमेंट्स ऑन कर लेना एंड या भाई फिर तुम्हारा मोड इजिली वर्क करने वाला है। तो भाई मैं यहाँ पे गेम के अंदर तो आ चुका हूँ। भाई देखो यहाँ पे जैसे भाई मैं अपनी सेटिंग ओपन करता हूँ फेट गेम वाली भाई, एंड देखो यार यहाँ पे भाई मैं जैसे सेटिंग ओपन करता हूँ तो भाई देखो ये जावा वाली आ रही है पूरी की पूरी। एंड फिर भाई यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस के अंदर जाता हूँ, वेट अ सेकंड, तो भाई देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक दो तीन सेकंड का टाइम लेता है। फिर तुम्हें यहाँ पे कर देना है डन। एंड डन करने के बाद देखो भाई यहाँ पे तुम अपना ऐप भी चेंज कर सकते हो, डिफिकल्टी चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे भाई तुम इतने सारे ऑप्शंस भाई तुम्हें मिल जाते हैं जो कि तुम्हें एक इस पॉकेट एडिशन के अंदर नहीं मिलते होंगे। फिर तुम्हें यहाँ पे जाना है वीडियो के अंदर, भाई वीडियो के अंदर भाई देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें सारे सारे फीचर्स मिल जाते हैं वीडियो से रिलेटेड। फिर तुम्हें यहाँ पे इसका कर देना है डन एंड भाई यहाँ पे चले बैक टू द गेम। एंड भाई तुम जैसे भाई अपनी इन्वेंट्री को ओपन करते हो, देन बूम देख रहे हो भाई यहाँ पे तुम्हें एकदम मतलब भाई पूरी पूरी जावा एडिशन वाली इन्वेंट्री मिल जाती है देखने के लिए। एंड भाई फिलहाल तो भाई क्रिएटिव वाली इन्वेंट्री है, ठीक है, क्योंकि यार मैं अभी खेलूँ क्रिएटिव मोड में। एंड देखो भाई यहाँ पे तुम्हें मतलब सेपरेट कॉलम मिल जाती है हर एक आइटम के लिए। एंड देखो भाई यहाँ पे जो साइड वाला शील्ड वाला मतलब ऑप्शन आ रहा है, शील्ड वाला चेस्ट वाला, तुम इस पर जैसे क्लिक करोगे देन भाई यहाँ पे तुम आइटम सर्च कर सकते हो। एंड अभी तो भाई देखो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मैं पॉकेट एडिशन के अंदर ही खेल रहा हूँ। देन यहाँ पे एक स्वॉर्ड लेते हैं क्योंकि भाई मैं हूँ अभी अपने वुडलैंड मैंशन के अंदर, बट मैं हूँ भाई क्रिएटिव मोड में, तो वह कोई हाथ नहीं लगाने वाला। एंड भाई जान लेते हैं और फीचर्स के बारे में। तो देखो भाई अभी भाई मैं जैसे भाई किसी मोब को पेलता हूँ, देखो भाई जरा एक बार देख रहे हो भाई इसके अंदर से भाई ऐसे चांद इस तरह से निकल रहे हैं भाई, इसमें मतलब ब्लैक कलर के हार्ट निकल रहे हैं जो कि व्यक्ति से मतलब डैमेज को दर्शाते हैं कि मतलब सामने वाले को डैमेज हो रहा है। एंड वेट अ सेकंड भाई देखो भाई डैमो देख रहे हो भाई, मतलब भाई कैसे पेल रहा हूं मैं, प्रो तो भाई मुझे कहते ही हैं। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो भाई देखो अपना अगला वाला फीचर है कि भाई देखो मैं जैसे भाई यहाँ पे मैं अपना गेम मोड सर्वाइवल करता हूँ, वेट अ सेकंड, तो भाई तुम भाई यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे हार्डकोर वाले मोड के अंदर आ चुका हूं। भाई ये नाम का ही हार्डकोर नहीं है, काम का भी हार्डकोर है। वेट अ सेकंड मैं पहले तो तुम्हें दिखाता हूँ, वेट अ सेकंड, तो देखो यार इसको तो यार एक मिनट इसको तो भाई मार दूंगा इजीली। एंड यार खत्म हो चुका है, वेट, अरे भाई इसने, अरे भाई पेल दिया इसने। तो देखो भाई मैं भाई यहाँ पे मर चुका हूँ। भाई मैं जैसे ही यहाँ पे स्पेक्टेटर मोड के अंदर क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ स्पेक्टेटर मोड के अंदर। भाई देख रहा हूँ भाई यहाँ पे मतलब मैं भाई फुली एक्सपेक्टेटर मोड के अंदर आ चुका हूँ। एंड यार तो देखो यार रिस्पॉन होने का भाई देखो एक ट्रिक है जो कि है मतलब तुम्हें भाई वहाँ पे कमांड में डालना है तुम्हें स्लैश गेम मोड सर्वाइवल। एंड भाई तुम इजी के भाई तुम सर्वाइवल में आ जाओगे। एंड ऐसे भाई तुम मतलब माइनक्राफ्ट जावा के अंदर भी अगर तुम हार्डकोर मर जाते हो तो भाई वहाँ पे तुम मतलब रिस्पॉन हो सकते हो। तो भाई अपने अगले वाले फीचर के अंदर तुम जो अपने मतलब अपने ऑफ हैंड के अंदर भाई तुम टॉर्च को होल्ड कर सकते हो, वो कैसे वो मैं तुम बताता हूँ। देखो सबसे पहले भाई तुम्हें अपने वेट अ सेकंड इसको करते बैक टू द गेम, मैं तुम्हें अपनी इन्वेंट्री के अंदर आ जाना है। देखो ये भाई यहाँ पे नॉर्मल वाली टॉर्च है, तो तुम्हें करना क्या, तुम्हें भाई इसको यहाँ पे अपने क्राफ्टिंग में डाल देना है। भाई देखो यहाँ से जो टॉर्च है इसका नाम अलग है, एंड तुम भाई इसको जैसे भाई यहाँ पे मतलब लेते हो ना तो भाई देखो मैं ऑफ हैंड में चली जाएगी, और इसको तुम ऑफ हैंड में भी मतलब रख सकते हो एंड अपने मेन हैंड में भी रख सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये जो है भाई रात के टाइम पे ग्लो भी करती है जो कि इसकी बहुत अच्छी बात है। एंड या भाई ये भी एक फीचर है जावा एडिशन का। तो भाई जो अपना लास्ट वाला फीचर है वो है कनेक्टेड ग्लास वाला, तो देखो इसके अंदर तुम्हें करना क्या, तुम्हें ग्लास सर्च कर लेना है। देखो भाई यहाँ पे मेरे पास आ चुका है ग्लास, ठीक है, मतलब ग्लास भाई तुम इजीली बना भी सकते हो सैंड कलर से। तो भाई देखो जैसे भाई तुम इसको प्लेस करते हो तो भाई देखो मतलब ये कनेक्टेड ग्लास है, ये माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वाला ग्लास नहीं है, जावा एडिशन वाला ग्लास है। एंड वेट अ सेकंड भाई देखो मैं इसके साइड में ओक लोग लगा देता हूँ ये डार्क वाले, एंड फिर भाई देखो तुम्हें पता चलेगा कि भाई देखो यहाँ ग्लास भी है। वैसे तो मतलब ये भाई अच्छे से विजिबल नहीं है, तो देखो कुछ इस तरीके का लगता है ये जो कि भाई मतलब एकदम जावा एडिशन वाली लुक प्रोवाइड करा रहा है। तो देखो और अभी भाई मैंने तुम्हें मतलब मोड तो दे दिए, बट यार अभी देख लेता है कि तुम्हें उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो देखो जो अपने तीन मोड है देखो उनकी तो भाई तुम्हें लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, पर जो अपना कनेक्टेड ग्लास वाला है भाई उसको तुम्हें डाउनलोड कैसे करना है, तुम्हें प्ले स्टोर पर चले जाना है। फिर भाई यहाँ पे तुम्हें लिखना है MC Addon, यहाँ पे तुम यहाँ पे जैसे लिखोगे तो ये वाला ऐप आ जाएगा। देखो मेरा अपडेट मांग रहा है, कल ही डाउनलोड करा था एंड आज अपडेट मांग रहा है, ठीक है,
तो भाई तुम इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद तुम भाई यहाँ पे जाओगे सर्च में, सर्च में भाई तुम्हें पे सर्च करना है कनेक्टेड ग्लास। एंड देखो भाई जो ये वाला मोड आ रहा है ना, ये कंटिन्यूस वाला, तुम्हें इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पे तुम्हारा डाउनलोड आएगा, मेरा इंस्टॉल आ रहा है। तुम्हें पर जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओके ओके कर देना है बस। यहाँ पर तुम्हारा जो गेम है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एंड भाई तुम्हारे गेम के अंदर वो मतलब ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। देखो आज कल तो भाई देखो यही थे कुछ मोड्स। एंड अगर भाई तुम्हें कुछ एक्सटर्नल मोड चाहिए तो देखो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। एंड भाई देखो तुम मेरे को ये बताओ कि मेरे को भाई लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, एंड करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए एंड किस टाइम करनी चाहिए ये भी बता देना कमेंट में। एंड यार देखो कमेंट पोस्ट पर थोड़ा एक्टिव रहो भाई, लाइक वाइक कर दिया करो, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है एंड मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड या भाई ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाय द वे अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट के कमाल के शेयर्स चाहिए तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो। एंड भाई अगर तुम्हें भी अपना 2024 में अपना माइनक्राफ्ट चैनल ग्रो करना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तुमसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।